कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा था। बयान तो उन्होंने अमेरिका में दिया था, लेकिन हंगामा भारत में खूब देखा गया। इस बीच शिवसेना के एक विधायक ने राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे बवाल मच गया। बुलढाणा से शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस बयान को लेकर पहले ही राजनीति गरमाई थी कि अब विधायक जी राहुल गांधी पर नई घोषणा करते नजर आए हैं। उनका कहना है कि वो ये बयान वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए राहुल गांधी को क्या करना होगा, सुनिए। राहुल गांधी ने विदेश में जाके जो भारत की बदनामी की है, भारत का संविधान हम खत्म करेंगे, बाबा साहब ने जो पिछड़ी जाति को रिजर्वेशन हिंदुस्तान में दिया है उसमें चाहे मागास्वर्गीय हो, ट्राइबल हो, ओबीसी हो, ये सब हम खत्म करने वाले, इक्वेलिटी हमें लाने का हमारा प्रयास वहाँ पर चल रहा है। महाराष्ट्र में धनगर समाज, मराठा समाज आरक्षण के लिए जूझ रहा है, ऐसे में उनको मिलने से पहले ही उन्होंने खत्म करने की बात की। अगर उन्होंने अपने देश में ये बात कही होती तो उस बात को मान भी लिया जाता, लेकिन अपने देश में कुछ बोलना और विदेश में जाके भारत की बदनामी करना, ये अपने देश की बदनामी है। मैं एक राष्ट्रभक्त इंसान हूँ, इसलिए मुझे इस बात का गुस्सा है कि हमारे देश की बात आप विदेश में जाके बदनामी कर रहे हो। मेरी राष्ट्रभक्ति के कारण, देश प्रेम के खातिर मैंने स्टेटमेंट किया कि आपने जो स्टेटमेंट बाहर किया है वो मुझे पसंद नहीं आया। और बार बार राहुल गांधी इस तरह के स्टेटमेंट करते, सावरकर जी के बारे में भी बार बार उनकी जो सोच है, उनकी जो बात रहती है, बहुत गलत बात सावर जी के बारे में करते हैं। इसलिए मैंने परसों के दिन कहा था कि राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट किया है कि बाबा साहब ने दिया हुआ आरक्षण खत्म करना है, तो अगर उनकी जो जुबा छटके लगा उस समय 11 लाख का इनाम दूंगा, ये जो बात मैंने कही थी। मैं आज दूसरी घोषणा करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, सारे देश के पीड़ित समाज का अपमान किया है। उन्होंने मुंबई के चैत्यभूमि में जाकर वहां माथा टेकना या नागपुर के दीक्षाभूमि में माथा टेकना और बाबा साहेब अंबेडकर जी की वहां पे माफी मांगना, अगर वो ऐसा करते हैं तो जो मैंने घोषणा की है वो घोषणा मेरे अल्फाज वापस लेता हूं। आपने राहुल गांधी की जबान छाटने वाले को 11 लाख रुपए की घोषणा की है, तो आप लोगों को सुपारी दे रहे हैं, यही काम आप खुद क्यों नहीं कर लेते? ये ऐसा है कि ये विषय मेरा अकेले का नहीं है, ये सारे समाज का विषय है, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट मैंने किया है कि जो भी करके लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। बहरहाल शिवसेना के विधायक ने तो बयान दे दिया है, लेकिन कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ मैं हूं राशिद, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।